360 को स्वागत। देशरे कोरोना मामला बढ़ुची, एभली परिस्थिति रे मास्क सबुठार बड़ अस्त्र। आमे आपण मानको बारंबार अनुरोध करूछु मास्क पिंधंतु। न्यूज 18 आरंभ करिछे एक नुआ अभियान मास्क पहनो इंडिया। आपण शपथ करंतु जे पर्यंत महामारी अछि मोहरु मास्क काढ़े नाही। एबे खबर उपरे नजर पकाइबा। कटक एसिप रे जोड़ी हेला नुआ अध्याय। एक्मो चिकित्सार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एक्मो सेवार शुभारंभ पई एसिप रे व्यापक प्रस्तुति करा जायथिला। भुवनेश्वर विमान बंदरु हेलिकप्टर जोगे जाई दिन 12टा रे कटक रे पहुंचीथिले नवीन। बोस ग्राउंड रे अवतरण परे कटक बड़ मेडिकल को जाईथिले नवीन। एहा परे एक्मो सेवा करथिले शुभारंभ। पूर्व भारत रे एहा सबुठु बड़ एक्मो यूनिट फळरे एणिकी आउ एक्मो पई रोगी को बाहर को जिबाकु पड़िबो नाही। एसीबी रे ही मिली पारिबो एही अत्याधुनिक चिकित्सा। सबुठ बड़ कथा हेला राज्य सरकार ए सेवा मागणारे जोगाइबे। आगुरु इक्मो सेवा पई राज्य बाहर को जिबा को पड़ुथिला, हेले एसीबी रे इक्मो शुभारंभ परे गुरुतर कोविड रोगी को आ बाहर को जिबा को पड़िबनी। एही यूनिट पई दक्ष मेडिकल कर्मचारी को नियुक्त करा जायछि। आपणको कहि रखुछु इक्मो चिकित्सा हेउछि अधिक व्यय बहुल, किंतु राज्य सरकार एही सेवा मागणारे जोगाइ देबे। मुख्यमंत्री कहिछन्ति कोरोनार द्वितीय लहर स्मृति बहुत कष्टदायक, तृतीय लहर मुकाबला पई आमको सतर्क रहिबाकु हेबो। एतरे पिला माने अधिक आक्रांत हेबे बोली विशेषज्ञ कहिछन्ति। तेणु पिलांको सुरक्षा पई कोविड नियम कडाकडी पालन करिबाकु हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिछन्ति। मास्क पिंधिबा ओ सामाजिक दूरता पालन करिबाकु अनुरोध करिछन्ति। निजे सुरक्षित रहिबा सहित पिला मानको सुरक्षित रखिबाकु परामर्श देइछन्ति मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को गस्त पई कमिश्नरेट पुलिस पक्षर व्यापक व्यवस्था करा जायथिला। आपन जानती आज अमर कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रे नोटी एक्मो मशीन मु ओडिसा बासिंग को पई डेडिकेट कॉलेज ईस्टर्न इंडिया रे एहा सबुठारु बड़ एक्मो यूनिट क्रिटिकल कोविड पेशेंट मानकु आउ बाहर को जीवा दरकार नहीं। ए यूनिट पाई हाईली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल मानकु नियुक्त करा जायछि। एक्मो ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली, किंतु राज्य सरकार मागनारे एही सेवा जोगाई देबे। एथिरे जहाँ भी खर्चा हेबो ता लोकों को उपरे पड़िबो नाही, आपन को सरकार सब खर्च बहन करिबे। सेकंड वेव रो स्मृति बहुत कष्टदायक, लॉकडाउन एबे रिलैक्स होइची किंतु विपद दूर होई नाही। थर्ड वेव रो मुकाबला पाई हमको सतर्क रहिबाकु हेबो। एथिरे पिला माने बेसी इन्फेक्टेड हेबे बोली एक्सपर्ट माने कहुछन्ति। तेणु आम पिलाकु सुरक्षा पाई कोविड नियम को आमको कड़ाकड़ी भावे पालन करिबाकु हेबो। मोर अनुरोध आपन माने मास्क पिंधांतु, हाथ धोंतु, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करंतु, निजे सुरक्षित रहंतु, पिलामानंकु सुरक्षित रखंतु। आमर प्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले 9 गोटी इक्मो मशीन को लोकार्पित करिसेंति। खुशीर कथा कि एठी जो माने इक्मो मशीन रे ट्रीटमेंट हेबे सेमानंकु गोटे टंका भी खर्च करिबाकु पड़िबो नाही, संपूर्ण मागणारे इक्मो ट्रीटमेंट सेमाने पाई परिबे। जो लोग माने रेफर हे कि बाहर को जाउतले बहुत खर्चांत होतले, वर्तमान हम एसी मेडिकल कॉलेज रे ट्रीटमेंट हे परिबे। एटा राज्य सरकार निर्देशस्व अर्थ रे करा जायछि एवं सरकारी डाक्टर खाना करा जायछि। आशा करूछु लोक आउ एते हैरान हेबेनी जेमति बाहर को जाउतले, एटा अनेक सुफल मिलिबो। तो सेतु हम समय धन्यवाद दे माननीय मुख्यमंत्री के जे प्रथम थर पई गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले ए व्यवस्था करछन। जो राज्य सरकार तरफ जो व्यवस्था एससीबी मेडिकल कॉलेज रे हेछि ताकु आज माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करी फेरी जाइछन्ती। ए जो मुख्यमंत्री का यात्रा अत्यंत सफल हेछि,
आमती आप कहे यार सुविधा निश्चय लोकों पाखे पहुंच देखो आम सुरक्षा व्यवस्था हेलीपैड्रे करूँ रूट लाइनिंग करूँ एससीबी मेडिकल कॉलेज करूँ आपंट कोविड नियम को अफ्यागर रखी सुरक्षा व्यवस्था टी पर होता है से अनुसार आम सुरक्षा व्यवस्था करूँ आम प्राय 6 प्लाटून फोर्स लगी 50 अफिसर लगे एबे आसंतु नजर पकाइबा कौन एही इक्मो मेसिन केमिते एहा काम करिथै एहा को अपडेट करबा को किभलि ट्रेनिंग नैछन्ती टेक्नीशियन ए संपर्क रे अधिक सूचना देउछन्ती हमर प्रतिनिधि नभेश महंती परुथिबे वास्तवे किभलि आबरे प्रस्तुत रखा जाइछि जहां वर्तमान मुख्यमंत्री कर गस्त परे एही यूनिट गुडी को आज थारु बा एबे थारु कार्यक्षम होउछि ए मेसिन गुडी को कथा कहबा बहु प्रतीक्षित मुहूर्त थिला एवं रोगी मान को आज चिकित्सा मिले मैडम मुख्यमंत्री आसिले कौन पचारे कौन कथा हेले आपन मुख्यमंत्री सहित तो मुझे देखा है कि कथा भी किसी है तल वार्ड में इक्मो चार्जर अच्छी आमर ये तीन टा इक्मो मेसीन अच्छी बाहर को जो इक्मो मेसीन सब इक्मो ट्रीटमेंट जाऊ बहुत खर्च होता से कि आम मुख्यमंत्री गोटे भल योजना कर लंगसटा आम मनुष्य निहाती दरकार लंगसटा कौन कैर अक्सीजेन गुड़ाक प्यूरीफिकेसन कार्बन डाइअक्साइड को प्यूरीफिकेसन कर कार्बन डाइअक्साइड बाहर कर अक्सीजेन भितर को दब अक्सीजेन ना तो लोक बंची पारे नहीं तेणुक ये दुटा हूँ आर्टिफिशियल लंगस आईटा जो अच्छे तो तार केते बॉडी रा टेंपरेचर कौन अच्छे सेटा मेंटेन करिवो मैडम आईसीयू अपेक्षा एटा अलग कौन आईसीयू अपेक्षा एटा लंग्स रो काम अधिक भलो काम करिवो लंग्स आ हार्ट प्रॉब्लम पई कि ए सब मशीन गुडा का बहुत नेसेसरी इक्मो मशीन ए मशीन वर्तमान कहिबा कोविड समय रे गोटे रामबाण चिकित्सा पालटिची एवं बहुत रोगी को निश्चित मृत्यु मुथ रक्षा करिची एवं जहार आवश्यकता देशव्यापी थिला केवल देश रे नुए विदेश रे मध्य थिला ये सब जहाँ मेसीन देखुं सब जाक विदेश इंपोर्ट कर विदेश में जो भाई चिकित्सा सेवा कोविड रोगी को मिलूँ जो जो मेसीन व्यवहार करेसीन ओडिशा ता पुणी कटक उपलब्ध होती रोगी यह जी कह खुशी विषय गर्वर विषय से राज्यवासी कहीं राज्यवासी निहाती भाव बहुत दिन धरी अपेक्षार जे केबे ए इक्मो सेवा आरंभ होउची एसी मेडिकल रे एवं ये आउ गोटे यूनिट रहउची जोठी की कोविड रोगी माने चिकित्सित हेबे एवं टेक्निकल स्टाफ मन अछंती हम सहित आलोचना करबा आपन सहित भाई कोन बुझेले एट जाओ एट ओडिसा रे एटा इ मेसिन रे आसी थिबारु बहुत ये भल लगुचे आ बहुत पेशेंट उपकृत हेबे जेहेतु ओडिसा रे एटा प्रथम एटा एसीबी रो आपन ट्रेनिंग नै छथि नै मु 8 नटा अछि ट्रेनिंग नै छथि केते लोक एथि अछन जे माने ड्यूटी रहिबे ड्यूटी रे 4 जन अछन्ति 8 नटा मनक काम आपन कर कोन होय साधारण रहिबो 8 नटा मनक पेशेंट मनक असुविधा हो सेटा आमे अछि हम काम कर परबो सेटा रुको हम ओटी भीतर को जाई परन कारण सेटा सैनिटाइज करा जाइछि एनु ओटी स्वतंत्र ओटी रहिछि जदी कोनसे रोगी गुरुतर हो पड़ती यार ऑपरेशन करा हो सीधा सड़क जो रही इक्मो यूनिट को कमुचि द्वितीय लहर संक्रमण चिंता बढ़ाइलाणी तृतीय लहर संक्रमण राज्य में दुई शिशु कन्या मृत्यु होइछे मृत शिशु जड़े मयूरभंजर होता बेले अन्य जड़े कटक राज्य स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार मयूरभंज जिलार जड़े 5 मासर शिशु कन्या कोरोन मृत्यु होइछे तेज मृत शिशु कन्या हृदरोग आक्रांत थी अन्य मृत शिशु कन्या जनक कटक जिलार सूचना मिली 12 दिन में शिशु कन्या हिमोग्लोबिन आक्रांत थिबा जणा पड़ी दुई शिशु मृत नहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर ट्विट्रे सूचना दि जाए तृतीय लहर शिशु माने अधिक प्रभावित होगा नहीं आशंका करा तेणु लोकों ए दिगरे अधिक सतर्क रहा कोविड गाइडलाइन पालन करने को परामर्श दे स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वितीय लहर तुलन में कोरोनार तृतीय लहर बेले बढ़ पिक अर्थात पूर्व तुलन में एथर शीर्ष संक्रमण अधिक
द्वितीय लहर पिक बेले 10,000 उपरे संक्रमण होता आकलन अनुसार तृतीय लहर पिक बढ़ी पारे। तृतीय लहर को देखी पार्वण पर आसब नुआ गाइडलाइन केन्द्र सरकार पार्वण में कटकणा जारी रखा राज्य को निर्देश देवा निष्पत्ति कोरोना स्थिति उपर स्वास्थ्य विभाग नजर रखी उचित समय राज्य सरकार पार्वण पर गाइडलाइन आने सर्विलांस और कंटाक्ट ट्रेसिंग जारी रही। आमर जोटा प्रेडिक्शन करिसेंती जे शिशु मानकर संक्रमण बेसी रहइबो ता अनुसार तार गाइडलाइन ऑलरेडी आमे सब जिला मानकु देई सारछु से माने केमती प्रस्तुत रहइबे एवं ता पई केते आमर बेड दरकार ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हे सारछि ता पई आमर इक्विपमेंट्स वेंटिलेटर ऑक्सीजन ड्रग्स समस्त ऑलरेडी आमर से मानकु निर्देश दिया जाइछि एवं से मानकर जो कैपेसिटी बिल्डिंग बा ट्रेनिंग करवा कथा ट्रेनिंग आमर ऑलरेडी आज हूँ लास्ट दिन ट्रेनिंग जो थे कि आम सब पेडियाट्रिशियन मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स समस्त को आम ऑलरेडी ट्रेनिंग दे सारी जोटा आम बेसिक प्रिंसिपल अच्छी गहली करेंगे ना मास्क व्यवहार करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे समस्ते जिते शीघ्र वैक्सीन नापी चेष्टा करेंगे जेहेतु स्कूल खोल को जाऊँ आस्ते आस्ते खोल तेणुक शिक्षक मानक अग्राधिकार भितर केमी आम वैक्सीनेट कर तापे गाइडलाइन दिया है जी सब जिला को पार्वण रे आमर गणेश पूजा रे सब प्रकार पूजा आरंभ है गणेश पूजा अच्छी दुर्गा पूजा अच्छी लक्ष्मी पूजा अच्छी आम मैंने भल भाव जानते आम सोशल डिस्टेंसिंग इज ए मेजर फैक्टर कंग्रीगेशन आम करवा ना से गोटे मेजर फैक्टर भारत सरकार भी आप गाइडलाइन अच्छी खाली तो आम ओडिशा रे पार्वण नहीं देश सारा पार्वण अच्छी तेणु सब प्रकार जिनस को विचार करके सरकार तरफ ठीक टाइम गाइडलाइन आसो लहर भी जदि आसे आमर जो कम आमर मेन जिनस एक्स्ट्रा जिनस आम कर वैक्सीन अवेलेबिलिटी पर वैक्सीनेशन कर द्वितीय जिनस आम सर्विलांस जारी रखु जो मैंने पॉजिटिव भाव कंट्राक्ट ट्रेसींग जारी रखु सर्विलांस जारी रखु कंट्राक्ट ट्रेसींग जारी रखु ट्रीटमेंट फैसिलिटी जहाँ दरकार कर राज्य में आज आउ 816 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोधर 475 और स्थानीय अंचल 341 चिन्हट होती शून्य 18 वर्ष बयस मध्य 106 एथसहित राज्य में कोरोन आक्रांत संख्या 10,04,875 पहुंची सुस्थ हेले 9,88,854 एवं 8,271 चिकित्साधीन अच्छा खोर्धार 291 कटकु 116 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले बालेश्वर 46 जगत सिंहपुर 34 जाजपुर 31 केन्द्रापड़ा 29 मयूरभंज 27 और पुरी 20 जन चिन्हट होती सेपटे राज्य में आउ 69 जन जीवन नेला कोरोना एथसहित राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 7,697 को वृद्धि पाई कटकु 38 जगत सिंहपुर 9 ढेंकानाल 6 जाजपुर केन्द्रापड़ा और मयूरभंज 3 लेखाएं आक्रांतों मृत्यु होता बेले अनुगुल और नवरंगपुर 2 जन प्राण हर से भद्रक केन्दुझर और पुरी जड़े लेखाएं आक्रांतों मृत्यु हो देश में कोरोना संक्रमण सामान्य कमिला हेले चिंता बढ़ाला केरल गत 24 घंटा मध्य देश में चिन्हट होती 44,658 जन से हीपरी 494 जनों जीवन नहीं महामारी बड़ कथा है गत 24 घंटा मध्य केवल केरल चिन्हट होती 30,007 जन नुआ संक्रमित एथसहित 162 जन संक्रमित जीवन जाइसहित केरल में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 20,134 पहुंची सेहीपरी 44,658 जन आक्रांत चिन्हट पर देश में मोट आक्रांतों संख्या 3,26,3188 को वृद्धि पाई वर्तमान मोट एक्टिव केस रही 3,44,899 नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करने को चाहे जे प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिलु टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि करने नेटवर्क 18 और फेडराल बैंक प्रयास संजीवनी ए स्टार्टअप लाइफ को समर्थन करतु स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपोलो 24x7
न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा। विधानसभा रे आसीबो संशोधन प्रस्ताव सेने प्रक्रिया आरंभ होइथिबा कहिसंती पंचायतीराज मंत्री प्रताप जेना। सेपटे ओबीसी संरक्षण नै बिजेडी केन्द्र निकटरे दाबी करथिला किंतु संसद रे कोनोसी पदक्षेप निया जाउ नाही। हेले केन्द्र व्यवस्था नकले दलय भित्तिरे 27% संरक्षण नै बिजेडी निर्वाचन लढ़िबो बोली कहिसंती मंत्री। पंचायतीराज मंत्री को सूचना परे बीजेपी कहिछि जे निज नियंत्रण रे निर्वाचन परिचालना पई रास्ता बाहर करुछंती राज्य सरकार। आउ कांग्रेस रो अभियोग 50% संरक्षण कथा कहि भुआ बुला जाउछि। हेले बिजेडी कहिछि पंचायत निर्वाचन रे हारिबा भय रे एभली कहुछंती विरोधी। युक्त दुई प्रथम एवं द्वितीय वर्ष रे एथरो भी रहिबो 70% सिलेबस। उभय वर्षर पिलांको पई वर्षकु 4टी त्रैमासिक परीक्षा हेबो। प्रथम 3टी त्रैमासिक परीक्षा रे पूर्ण संख्या 30 नंबर रहिबो। 20 नंबर रो थ्योरी एवं 10 नंबर प्राक्टिकल परीक्षा हेबो। एप्रिल मास रे 2 घंटिया बोर्ड परीक्षा हेबो। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना दिया जाइछि। देशरे न्यायपालिका क्षेत्र रे सृष्टि हेबा पई जाउछि आउ एक इतिहास। देशर प्रथम महिला प्रधान विचारपति होइपारंती जस्टिस बीभि नागरत्ना। जस्टिस नागरत्नांक समेत 9 जन विचारपति नियुक्ति पाई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम करथिबा सुपारिश को मंजूरी मिलिछि। प्रधान विचारपति जस्टिस एनभी रमन्नांक नेतृत्वाधीन कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट रो 9 जन विचारपति नियुक्ति पाई सुपारिश करथिले। केन्द्र सरकारक पक्षरु फाइल राष्ट्रपतिक अनुमोदन पाई पठा जाइथिबा सूचना मिलिछि। जदि जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति नियुक्त होवंती वरिष्ठता भित्तिरे से परवर्ती प्रधान विचारपति होइपारंती। एपरी हेले देशर न्यायिक प्रक्रिया रे नुआ इतिहास सृष्टि हेबो। जस्टिस नागरत्ना हेबे देशर प्रथम महिला सीजेआई। ब्रेक पर स्वागत। ऋषिकेश डेराडून रास्ता रे भांगिला पोल। रानी पोखरी जख नदी रे बन्या आसीबारु सृष्टि होइछि अभावपन्य परिस्थिति। बन्या सुरे भांगि जाइछि पोल फलरे यातायात पूरापूरी ठप होइ जाइछि। एयरपोर्ट टिकटरे थिबा हि पोलर अवस्था थिला अत्यंत दयनीय। पोल भांगि जिबा फलरे किछि लोक आहत होइतिबा सूचना मिलिछि। ऋषिकेश डेराडून रास्तार भांगिछि पोल। राणी पोखरी जाख नदी में बन्या आसीबारु अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होइछि। तबे बन्या सुरे एही पोलटी भांगि जाइथिबा नै सूचना रहछि। फलरे यातायात पूरापूरी ठप होइ जाइछि। एयरपोर्ट निकटरे थिबा एही पोलर अवस्था थिला अत्यंत दयनीय। पोल भांगि जेबा फलरे किछि लोक आहत होइथिबा सूचना मिलिछि। ऋषिकेश डेराडून रास्तार एही पोलटी रहिछि। तबे एही पोलटी बन्या सुरे भांगि जाइथिबा नै सूचना रहछि। राणी पोखरी जाख नदी में बन्या आसीबारु एही अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होइछि। एयरपोर्ट निकटरे थिबा एही पोलर अवस्था अत्यंत दयनीय थिला। तबे पोल भांगि जेबा फलरे किछि आहत होइछन्ति लोक माने। राणी पोखरी जाख नदी में बन्या आसीबारु सृष्टि होइछि अभावनीय परिस्थिति। आसंता 1 तारीख रु आरंभ हेबा विधानसभा अधिवेशन। सुरुखुरु रे गृह कार्य चलाइबा नै बाचस्पति को अध्यक्षता रे अनुष्ठित सर्वदलीय बैठक रे होईची आलोचना। सबु सदस्यंकर कराजिबो आरटीपीसीआर ओ एंटीबॉडी टेस्ट। जेउ दिन कोरोना टेस्ट हेबो सेही दिन एंटीबॉडी टेस्ट हेबो। ए संपर्क रे सूचना दैछंती बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र। अधिवेशन रे स्टार प्रश्न रहिबो। शनिवार भी विधानसभा चलिबो। कार्यकाल पूर्वाहन 10:30 आरंभ होई 1:30 और अपराह्न 4 आरंभ होई 6 जाए चलिबो। दिनकु 5 घंटा हेबो गृह कार्य।
मुलतवी प्रस्ताव आलोचना रहिबो। दुई विरोधी दलंक मध्यरु बीजेपी 4टी ओ कांग्रेस 2टी मुलतवी प्रस्ताव आणि पारिबे। गत थर भळी एथर भी विधायक ओ मंत्री माने छिडा होई बा बसी करी उत्तर रखी पारिबे। विधायक माने ओका बिल्डिंग लोकसेवा भवन ओ अन्य स्थान रे बसिबे। गृह मध्यरे कोनोसी कागज दिया जिवो नाही। विरोधी दल नेता हॉस्पिटल रे थिबारु चाहिले बीसी माध्यम रे जोग दे पारिबे। मुलतवी आलोचना बेले विरोधी दल 55 मिनिट सरकारी दल 35 मिनिट कहिबे। सर्वदलीय बैठक परे शासक दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक कहिछंती विधानसभा नीति नियम अनुसार सबु सदस्यंकर कोरोना परीक्षा करा जिवो। गृह कार्य परिचालन रे समस्त सहयोग करिवे बोली प्रतिश्रुति देछंती। समस्त प्रसंग रे आलोचना पई सरकार ओ शासक दल प्रस्तुत अछंती बोली कहिछंती प्रमिला। शनिवार दिन विधानसभा बसिब। विधानसभा प्रथम दिन सका 11:00 दिन गोटे 30 पर्यंत आ मध्यान 4:00-6:00 पर्यंत आन दिन मानक सका 10:30-1:30 पर्यंत आ संध्या 4:00-6:00 पर्यंत बैठक हम। सबुदिन एडजर्नमेंट मोशन डिस्कशन रहिबो। सेतरु भारतीय जनता पार्टी 4 दिन तंकर एडजर्नमेंट मोशन उपरे प्रस्ताव रखिबे आ कांग्रेस 2 दिन प्रस्ताव रखिबे। प्रतिदिन सैनिटाइजेशन हो सकाळ ओळी उपर दिओळी आ देयर विल बी आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर ऑल द मेंबर्स एंड द स्टाफ ऑफ ओले एज वेल एज अदर ऑफिशियल्स कनेक्टेड विथ द डे टू डे वर्क ऑफ द असेंबली। विधानसभा नीति नियम जहाँ अच्छी से अनुसार किसी टेस्ट कराव टेस्ट कराव टेस्ट कराई जी अच्छी जी दिन अच्छी समस्त सहयोग मगा है से कहले जोटा ओडापी भल हम से सरकार प्रस्तुत अच्छा सरकारी दल प्रस्तुत अच्छी से जो प्रस्ताव आणवे जो जो प्रकार इश्यू आणवे से इश्यू फेस करने सरकार प्रस्तुत अच्छे। मरुड़ी तो प्रथम तो उठ द्वितीय तृतीय लहर जो कोरोना आर कौन ओडिशा सरकार व्यवस्था कर मुकाबला करने एवं ड्रग्स रो व्यापक मान प्लावन होशा एवं आईन श्रृंखला जो विपर्यस्त अवस्था हो जाए ये विषय आलोचना मुख्य पार्लियामेंट रो असेंबली रो मुख्य कर्तव्य हला आईन पास कर बिल आसुची बिल उपरे आलोचना हो नहीं 2 मिनिट 5 मिनिट आलोचना हो बंद हो जाए तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहते आगर जमी समस्ते पाठ पढ़ी आसुले आईन विषय ज्ञान थोड़ा लोक आसुले जोरदार आलोचना होता अतए बहुत कम केस सुप्रीम कोर्ट को आसुला वर्तमान तर्जमा होना अतए बहुत केस आसमु आमको परिश्रम करने को पड़ू तर्जमा करने को पड़ू एवं आमर अभिज्ञता है जेहेतु आलोचना होना सब गुरुत्वपूर्ण बिल जहाँ पास होना आलोचन से एक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रे काट खाऊ कि गवर्नर प्रेसिडेंट ताको स्वीकृति दौना ये अति गुरुत्वपूर्ण कथा मुझुची राज्य सरकार ज्ञान उदय हे पुंगानुपुख आलोचना सब बिल उपर हे आज पास कले जाए बोली जिद धरिक जदि पास करिवे से आलोचना हेई पारिबो नाही बहुत भूल भटका रहिजिवो। मौलिला समाधान रो आशा। केन्द्रापड़ा राजकनिका बरुणाटिया निकट खरस्रोता नदी रे भद्रक बृहत पाइप जल प्रकल्प संपर्क रे आलोचना बैठक विफल। प्रकल्प बंद न हेबा जाय जारी रहिबो आंदोलन। पटामुंडाई ब्लॉक सम्मेलनी कक्ष रे होइतिबा जिला प्रशासन सह खरस्रोता बंचाव संग्राम समिति रे आलोचना बैठक सरिछे। बैठक में जिलापालों सह वरिष्ठ अधिकारी जोग देते। दीर्घ 2 वर्ष है प्रकल्प आरंभ विरोध करुछि खरस्रोता बंचाओ संग्राम समिति। प्रशासन पक्ष 10 तारीख दिन प्रकल्प अंचल 144 धारा जारी करी कार्य आरंभ करितिबा बेले समिति पक्ष विरोध जोरदार होता तेरे वर्तमान बैठक विफल होगा पर प्रकल्प बंद न होगा जाए आंदोलन जारी रहिबो संग्राम समिति पक्ष चेतावनी दिया जाइछि। समय होइछि बुलेटिन को एट रखिबा। नमस्कार।